नमस्कार बच्चों, आज अपन जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉन और फोटोन। बहुत ही छोटा टॉपिक है और 4 या 5 नंबर का प्रश्न जो है इसमें से आते हैं। और इसमें जो है मेन तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा जो है 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। और आज अपन को जो है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं क्या है, फिर भी मैं इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा इलेक्ट्रॉन क्या है। तो सबसे पहले अपन जो है इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन आप सबको मालूम है, परमाणु संरचना तो आपको मालूम होगा, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में क्या होता है, बीच वाला भाग आपका क्या है आपको मालूम है, इसको अपन क्या कहते हैं, नाभिक बोलते हैं। यहाँ पे आपका प्रोटॉन होता है और दूसरा जो है आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं, विभिन्न जो है वृत्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन जो है ये गति करते हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा, पहले कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में आपको मालूम होगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे में जो है वो 18 या 14 जो भी है उस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न कक्ष है, मतलब ये ऊर्जा स्तर से संबंधित है कि हर कक्ष में एक निश्चित ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा कक्ष में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं। तो आपको यहाँ पे मालूम होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऋणात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक होता है, आवेश होता है। अब देखिए कई लोग जो है इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, तो इसके ऊपर जो है प्रोटॉन को भी ई से ही दर्शाते हैं, जैसे आवेश की मात्रा जो है उसको ई से दर्शाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन ऊपर ई के घात पे अपन क्या है माइनस जोड़ेंगे, क्या करेंगे अपन ई के ऊपर माइनस लिखेंगे, तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन बताएगा, इलेक्ट्रॉन बताएगा। अगर ई के ऊपर मान लीजिए प्लस लिखा है तो ये मान लीजिए ये आपके प्रोटॉन के बारे में बता रहा है, ये आपका क्या है, ये प्रोटॉन है। ठीक, और न्यूट्रॉन जो है आपको तो एन से ही है क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे अपन को देखना है जो जानकारी आपको सर्वप्रथम इसका जो खोज किया था वो है आपके जे जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया है वो जे जे थॉमसन ने किया है। और उनने जो है सर्वप्रथम ई अपॉन एम का मान ज्ञात किया, क्या क्या उन्हें सबसे सर्वप्रथम जो है इलेक्ट्रॉन तो खोज किया ही उनने, उनने ई अपॉन एम का मान ज्ञात किया, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात नहीं किया उनने, ई और एम जहां पर ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनके अनुपात जो है कितना होता है ये ज्ञात किया था। अब यहाँ पे E अपॉन M जो है, E अपॉन M को अपन यहाँ पर जो है इसको विशिष्ट आवेश कहते हैं, क्या कहेंगे अपन इसको, E अपॉन M को जो है विशिष्ट आवेश कहते हैं। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पर दूसरा जो है आवेश का मान जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है वो होता है 1.6 इंटू 10 के घात -19, ये होता है आवेश का मात्रक जो होता है, कूलाम होता है।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश या अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही आवेश होता है और प्रोटॉन में भी उतना ही आवेश होता है, क्योंकि इसी कारण से जो है आपका जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और आपका परमाणु जो है उदासीन होता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, और ये आवेश की मात्रा जो है -19 कूलाम होता है, ठीक। और इससे आगे बढ़े तो आप देखते हैं, इसमें मैं कुछ एक शीट लेके आया हूं, उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का विराम आवेश विराम द्रव्यमान जो है उसको एम ई से दर्शाते हैं, वो 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई के घात माइनस मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम है। अब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, क्योंकि ये गोल मानते हैं, तो ये इसका 2.8 × 10⁻¹⁵ मीटर है। अभी मैंने बताया था ई अपॉन एम जो कि आपका क्या है विशिष्ट आवेश कहलाता है, ये 1.6 × 10⁻¹ⁱ कूलाम प्रति किलोग्राम है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम है और द्रव्यमान का यहाँ पे किलोग्राम है, और ये मात्रक जो है एसआई पद्धति में है। उसके आगे अपन बढ़ाएंगे, यहाँ पे एमपी बराबर एमएन लिखा है, एमपी किसके बराबर है, एमएन के बराबर है, वो 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। यहाँ पे एमपी जो है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है, पी के लिए प्रोटॉन है, और एमएन जो है न्यूट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं, और 1.67 × 10⁻²⁷ जो है किलोग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है वो किसने ज्ञात किया, मिलिकन ने ज्ञात किया था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया, तो जो आपको देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा किसने ज्ञात किया बोलेंगे तो आप मिलिकन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया कहेंगे तो जे.जे. थॉमसन है, तो इस चीज पर आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब इससे अपन आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ेंगे तो जे.जे. थॉमसन ने जो है जो उपकरण की सहायता से एक तरीके का विसर्जन नलिका की सहायता से जो है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खोज किया, और उसकी सहायता से ई अपॉन एम यहाँ पर ज्ञात किया, मतलब विशिष्ट आवेश जो है ज्ञात किया। तो इसमें एक नलिका है, आप देखेंगे ये एक नलिका है, और इसके सामने से आगे से ये उठा एकदम, और सामने जो है गोलाकार स्क्रीन होता है, ये इस प्रकार से आपने जो है पुराने टीवी में जो टीवी का जो स्क्रीन होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है, उस टाइप का जो है स्क्रीन था। इसमें एक सिरे पर जो है यहाँ पर फिलामेंट लगा हुआ है जिसको अपन एफ से दर्शा रहे हैं, और ये फिलामेंट को जो है इससे एक बड़े बैटरी के साथ जो है इसको लगाया हुआ है, और इस विसर्जन नलिका के अंदर आपका जे.जे. थॉमसन ने क्या किया, एक कैथोड लगा दिया, कैथोड के ठीक सामने उनने जो है एक एनोड को लगाया। आपको मालूम होगा कैथोड हर समय जो है नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और एनोड जो है हर समय जो है धनात्मक होता है, और इन दोनों को एक उच्च विभव के साथ जोड़ दिया है। वो उच्च विभव आपका जो है 1200 वोल्ट या अपन कहेंगे 10 किलो वोल्ट से 15 किलो वोल्ट के बीच में इसके बीच में यहाँ पर लगाया। उससे आगे बढ़ेंगे तो जे.जे. थॉमसन ने क्या किया, दो प्लेट पी और क्यू रखा, ये देखिए ये पी और क्यू जो ब्लैक उससे काले उससे है, इसको इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लागू किया है, प्लेट पी और क्यू के मध्य जो है ने विद्युत क्षेत्र लगाया, तो विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, पी को पॉजिटिव धनात्मक पॉइंट से जोड़ दिया, और जो है क्यू को जो है ऋणात्मक पॉइंट के साथ जोड़ दिया, और उनके बीच में जो है विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लागू किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे लाल रंग का जो है गोला रिंग बना हुआ है, ठीक है, ये जो लाल रंग का जो रिंग है वो आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर से आपका क्षेत्र लग रहा है तो ये जो क्षेत्र होगा आपका प्लेट पी के जो लंबवत जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, और इसके आगे अपन जाएंगे तो आपको इस प्रकार का ये वृत्ताकार जो है
स्क्रीन दिखाई देगा, ये आपका पर्दा है, ये पर्दे के ऊपर जो है आपका जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है। ये जिंक सल्फाइड का लेप लगाने से ये प्रदीप्ति उत्पन्न करता है जब इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर गिरता है, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का पुंज अगर इसके ऊपर गिरेगा तो वहां पे जो है चमकीला जो है आपका करीब हरे रंग का जो है आपको एक धब्बा जो है दिखाई देगा। उससे ये पता चलता है कि आपका जो है पुंज जो है इलेक्ट्रॉन का जो पुंज जो कि आपको कैथोड से निकलेगा वो कहां पर प्राप्त होता है। अब इसकी कार्यविधि देखें, इसका कार्यविधि में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिलामेंट एफ के सहायता से कैथोड को गर्म करेंगे। तो फिलामेंट आपको मालूम होगा बल्ब में लगा हुआ फिलामेंट है, आप देखेंगे पुराने जो बल्ब है उसमें अपन जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म होता है, तो वो गर्म होगा तो क्या होगा आपका कैथोड गर्म होगा। अब देखिए कैथोड गर्म होगा तो क्या होगा आपका जो है इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है आपका उत्सर्जित होने लगेंगे क्योंकि ये कैथोड और के जो आपका पदार्थ है उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत ही कम ऊर्जा के साथ उस कैथोड से बंधे हुए होते हैं, उसको थोड़ा सा भी गर्म करें या अन्य कोई तरीका अपनाएं तो वो उत्सर्जित होने लगते हैं। तो क्या होता है जैसे अपन फिलामेंट को गर्म करेंगे तो कैथोड और से जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा उत्सर्जित होंगे। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर जो है ये कैथोड और एनोड के बीच में 10 से लेके 15 किलो वोल्ट का विभवांतर लागू करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे कैथोड को अपन ऋणात्मक में रखेंगे और जो है एनोड को अपन क्या है धनात्मक में रखेंगे, तो ये रखेंगे तो क्या होगा आपका ये एनोड धनात्मक होने के कारण होगा आपका इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड की सतह से बढ़कर एनोड की तरफ चलने लगेंगे और ये एक एनोड पे पहुंचेंगे और एनोड से हाथ आगे होते आगे चलता हुआ वो सीधे कहां पर जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे ये सीधे जो है कहां पर M पर आकर यहाँ पर गिरेगा। अभी अपन ने P और Q के बीच में ना विद्युत क्षेत्र लागू किया है ना ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों के अनुपस्थिति में ये सीधे कहां पर M पर जो है एक हरे रंग का जो है धब्बा यहाँ पे बन जाता है। आप चाहे तो उसको उसके ऊपर स्केल बना होता है उस पर अपन जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब जे थॉमसन ने क्या किया यहाँ पर, जे थॉमसन ने जो है सबसे पहले विद्युत क्षेत्र इनके बीच में लगाया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में आप देखेंगे प्लेट P जो है धनात्मक है और प्लेट Q जो है वो आपका ऋणात्मक है, तो जैसे ही इनने जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो पुंज है मतलब ये लगातार जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं, तो ये पुंज धब्बा कहाँ पर बनाएगा स्क्रीन पे एन पे बना देगा, मतलब पहले कहां पे था एम पर था पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया आपने कहां पर बन गया धब्बा कहां पहुंच गया एन पर, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ता जाएगा वो उतना ही ये मुड़ता जाएगा और बढ़ाया तो ये और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज यहां पे ये सिद्ध हुआ ये जो है विक्षेपित होते हैं, किससे विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। तो आप यहां पे पूछ रहे हैं आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का है, इलेक्ट्रॉन जो है किस तरफ गया धनात्मक प्लेट पी की तरफ गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक प्रकृति का है इसीलिए वो जो है आपका प्लेट पी की तरफ गया। अब इनने क्या किया विद्युत क्षेत्र जो लगाया था पी और क्यू के बीच में उसको उनने जो है बंद कर दिया, उसके पश्चात जो है चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे लागू किया। ये चुंबकीय क्षेत्र का जो घेरा जो मैंने गोल से बनाया हुआ है इसमें जो है असल में क्या होता है दो कॉयल रखते हैं इसके लंबवत पी और क्यू के लंबवत दो कॉइल एक तरफ एक कॉइल और दूसरी तरफ दूसरा कॉइल और उसमें से धारा प्रवाहित करते हैं, तो आपको मालूम है जब धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है वहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उनने उस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र तो ये अपन को चित्र में केवल ये डॉटेड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे दर्शाना है। अब यहाँ पे क्या किया इनने ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लागू किया, तो चुंबकीय क्षेत्र लागू किया तो उनने देखा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो पुंज है वो नीचे की तरफ झुक गया। ये सब का ये कब किया जब आपने विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को लगाया, चुंबकीय क्षेत्र को लगाया तो आपका जो है ये चमकीला जो हरे रंग का जो धब्बा होता है वो एल पर पहुंच गया। ठीक, अब यहाँ पे इनने क्या किया अब जे थॉमसन ने फिर से क्या कर दिया यहाँ पर पी और क्यू के बीच में विद्युत क्षेत्र को लागू किया, तो विद्युत क्षेत्र लागू किया और इसको चुंबकीय क्षेत्र बंद कर दिया तो धब्बा
एन पर पहुंचा। अब उनने जो है चुंबकीय क्षेत्र को भी यहां पे लगाया, तो चुंबकीय क्षेत्र को लगाया तो देखा कि जो है आपका एन जो है हो सकता है नीचे की तरफ सरकने लगा, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है नीचे की तरफ आ गया, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये एम पर जो है वो दब्बा पहुंच जाता है। मतलब जो है प्रारंभ बिना क्षेत्र से आपका जो जहां पर ये आपको धब्बा प्राप्त हो रहा था, क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की अनुपस्थिति में जहां धब्बा प्राप्त हो रहा था वहां पर आपको जो है ये जो है धब्बा प्राप्त होगा। इसकी उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो। ठीक है, अब इससे आगे बढ़े तो कुछ इसमें अपन जो है एक सूत्र है छोटा सा, उसको आपको जरा देखना है तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सबको मालूम है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है अपन यहाँ पे फिलहाल ई से ही दर्शा रहे हैं, उसको ई के ऊपर माइनस नहीं लगा रहे हैं, और एम को जो है अपन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान रहे हैं। एम क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। बी जो है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से गति किया? कैथोड से एनोड की तरफ गति करता हुआ आया, और एनोड से जब बाहर निकलता है तब जो है अपन इलेक्ट्रॉन की वेग जो है ज्ञात कर लेंगे। जैसे एनोड से बाहर आएगा उसका वेग मान लीजिए छोटा v है, स्मॉल v, तो ये आप ये संकेत लगाते समय थोड़ा ध्यान रखें, छोटे v में और बड़े v में अपन को अंतर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सूत्र आप जो स्थापित करेंगे, तो स्मॉल v से अपन जो है इलेक्ट्रॉन का वेग जब एनोड से बाहर निकलता है, अपन को उस समय का वेग चाहिए जब वो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से बाहर निकलता है। कैपिटल V मैंने बताया था कैथोड और एनोड के बीच का उच्च विभवांतर, जो कि मैंने बताया था किसके बीच में होगा, 10 से लेके 15 किलो वोल्ट के बीच में, क्योंकि आपको इतना ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन को कैथोड के सतह से खींचकर आपको एनोड की तरफ लेके आना और उससे आगे इसको बढ़ाना है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर लागू हो रहे हैं, एक आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, पहला ही चैप्टर था अपने 12th में भौतिक शास्त्र में, और उसमें अब देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र को अपन किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल जो कि कैपिटल एफ, जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के बीच में, ये एफ इक्वल टू आपको मालूम होगा, ये एफ इक्वल टू ये होता है आपका ई इंटू कैपिटल ई के बराबर है। ये किसके बराबर है? F इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यहाँ पे स्कूल में ये F इक्वल टू QE पढ़ा होगा, यहाँ पे Q आवेश है, तो यहाँ पर आवेश को अपन किससे दर्शा रहे हैं? E से दर्शा रहे हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल F E इक्वल टू E इंटू कैपिटल E के बराबर है, जो भी जो कि आपने लगाया। उसके पश्चात आपने क्या किया? आपने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित जो है बल, इसको अपन किससे दर्शाएंगे? एफ बी से दर्शाएंगे। वो इस किसके बराबर होता है? स्मॉल ई स्मॉल वी और ये कैपिटल बी के बराबर होता है, स्मॉल ई इंटू स्मॉल वी इंटू कैपिटल बी के बराबर होता है। अभी अपन ने क्या किया था, आपको मैंने अभी आपको बताया था कि अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना बढ़ाते हैं कि वह जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार इतना बढ़ाते हैं कि वो धब्बा कहां पे पहुंचना चाहिए? M पर पहुंच जाना चाहिए। कहां पे पहुंच जाना चाहिए? M पर पहुंच जाना चाहिए। उस स्थिति में क्या एफ ई जो है वो किसके बराबर होगा? एफ बी के बराबर होगा। एफ ई किसके बराबर है? आपका एफ बी के बराबर है। तो अपन दोनों का मान रखेंगे ई इंटू कैपिटल ई बराबर ई वी बी होगा। यस ई और ये ई कट जाएगा, इसके साथ इस सूत्र के साथ अपन ये ई वी का मान ज्ञात करेंगे, वी इक्वल टू ई अपॉन बी आपको जो है मिल जाएगा। ये अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे? समीकरण एक मान लेंगे। इसको अपन क्या ले लें? समीकरण एक ले लेते हैं। अब इससे आगे बढ़े फिर मैं आपको ये चित्र दर्शा रहा हूं। आप चित्र में देखेंगे यहाँ पे एक तरफ आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है कैथोड और दूसरा आपके पास जो है यहाँ पर एनोड है, ये आपका एनोड है। तो कैथोड के ऊपर आपका क्या स्थित है? आपका इलेक्ट्रॉन शुरुआत में स्थित है, उसको अपन ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा देने से वो आगे की तरफ गति करता है। तो कैथोड पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा होता है।
कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पर जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होता है, और एनोड की तरफ जब चलता है तो ये स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो सबसे अगला जो स्टेप होगा आपका, अपन लिखेंगे कैथोड पर स्थितिज ऊर्जा को, मालूम है आप इसको पीई से दर्शाते हैं, ये किसके बराबर होगा आपका, ये आपका ई इंटू कैपिटल वी के बराबर है। किसके बराबर है ये, नहीं ये ई इंटू कैपिटल वी, कैथोड पर जो है इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर उपस्थित इसको अपन क्या, कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो है स्थितिज ऊर्जा ये ई वी के बराबर होता है। अब ये जो आपका जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा में कहां पे परिवर्तित होता है आपका, ये आपका कहां पे, एनोड पर। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, आपको गतिज ऊर्जा का जो है आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, उसके लिए सूत्र होता है 1/2 mv2। ये किससे दर्शाते हैं, 1/2 mv2 से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। अब अपन इसको देखिए, आपका जो वही आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको अपन आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या होगा, ई इंटू कैपिटल वी इज इक्वल टू आपका आएगा 1/2 mv2, ई वी इक्वल टू 1/2 mv2 के बराबर होता है। अब इसमें से अपन वी स्क्वायर ज्ञात कर लें, ये वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2 ev, ये 2 इधर 2 इधर आ गया आपका m आ जाएगा, इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 था आपका, तो आप क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे e अपॉन v का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ev अपॉन m के बराबर। अपन को यहां पे क्या ज्ञात करना है, e अपॉन m ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, e अपॉन m का मान ज्ञात करना है। तो इसमें e अपॉन m यही रख देंगे, 2 और v को इधर लेके आ जाएंगे, इस तरफ क्या है e अपॉन v, ये v का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन ये 2, ये v उधर से आ गया और ये v स्क्वायर, ये जो है e अपॉन m के लिए आपका सूत्र है। और इसका जो मान है 1.76 × 10^11 कूलाम प्रति किलोग्राम, 1.76 × 10^11 कूलाम प्रति किलोग्राम है। तो इस प्रकार जो है ये e अपॉन m जो है आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। इसका ज्ञान होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर जो है इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है प्रारंभिक जानकारी। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, जो आपको अगला टॉपिक है जो आपका, वो है आपका फोटोन। अगला जो है आपका यहाँ पर फोटोन है, तो फोटोन के बारे में यहाँ पे अपन को पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तरंग सिद्धांत की सहायता से जो है प्रकाश की कई घटनाएं, जैसे आपका परावर्तन, अपवर्तन, आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, आदि सभी को जो है इसको समझा जा सकता था। किंतु आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसके बारे में जो है
उन तरंग सिद्धांत से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे और नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जैसे ही प्रकाश जो है किसी भी धातु के सतह पर विशेष आवृत्ति से गिरता है तो उसके सतह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने जो है वो कण है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप क्या कण मान सकते हैं, और वहां पर जो है तरंग सिद्धांत है। तो ये इसमें अंतर के कारण जो है प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसको समझाया। तो प्लांक के अनुसार जो है फोटोन जो है आपका ऊर्जा का पैकेट है, ठीक है। पैकेट आप जानते हैं जैसे फूड पैकेट होते हैं, उसके अंदर जैसे खाने रखा रहता है, वैसे ही जो है फोटोन जो है आपका ऊर्जा का पैकेट है। और ये ऊर्जा कहां से निकलता है आपका? विकिरण स्रोत से। विकिरण स्रोत से जो है ऊर्जा जो है यहां से निकलता है, और ये जो फोटोन जो है वो प्रकाश के वेग से गति करता है और सरल रेखा में गति करता है। तो इसको फोटोन को एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है, वो ऊर्जा कण भी कहते हैं इसको। फोटोन को जो है ऊर्जा कण भी कहते हैं। क्या कहेंगे अपन इसको? ऊर्जा कण। ये फोटोन है क्या? ये फोटोन जो है आपका ऊर्जा का पैकेट है, ठीक है। और इससे हर फोटोन से एक ऊर्जा संबंधित होती है, संबद्ध होती है, ऊर्जा संबद्ध होती है वो ई से। थोड़ा कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि आपका उसमें पहले यूनिट में आपने पढ़ा होगा ई जो है कैपिटल ई जो है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, यहां पर ई जो है ऊर्जा को दर्शा रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, इसको ई से दर्शाते हैं और ये एच इंटू न्यू से दर्शाते हैं, जहां पे एच जो है इसको प्लांक नियतांक कहते हैं। एच को क्या कहेंगे अपन यहां पे? प्लांक नियतांक कहेंगे। और ये जो न्यू जो है ये आपका क्या है, जो आपका विकिरण है उसकी विकिरण जो रहेगा उसकी आवृत्ति जो है ये होता है। ये ऊर्जा जो है एक फोटोन के लिए, इसके लिए है ये एक फोटोन के लिए। तो n फोटोन के लिए क्या होगा? n फोटोन के लिए जो है ये ऊर्जा हो जाएगा E इक्वल टू n एच न्यू, जहां पे न्यू जो है इसका आवृत्ति है, ठीक है। तो फोटोन क्या है? ऊर्जा के पैकेट है, उसमें ऊर्जा बंधे हुए होते हैं, निश्चित ऊर्जा रहती है, और उस ऊर्जा का मात्रा जो है E इक्वल टू एच न्यू होता है। इसको ऊर्जा कण भी कहते हैं। अब कण बोला है तो इसका द्रव्यमान होना चाहिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका द्रव्यमान होगा। जब ये गतिशील रहता है तब इसमें द्रव्यमान होता है, जब ये विराम अवस्था में रहता है तो इसका जो है द्रव्यमान शून्य होता है। मतलब फोटोन विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान जो है शून्य होता है। तो अपन ये देख लेते हैं, इसको अपन सिद्ध करते हैं कि विराम अवस्था में जो है फोटोन का द्रव्यमान शून्य कैसा होता है। तो अपने यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है एक सूत्र है, क्वांटम सिद्धांत में m इक्वल टू एक सूत्र m जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सूत्र है, जहां पर m जो है m वी वेग से गतिशील फोटोन का वेग है। वी वेग से गतिशील फोटोन का वेग है, ओ वेग नहीं, क्या कहेंगे इसको? द्रव्यमान है। m जो है v वेग से गतिशील फोटोन का द्रव्यमान है। दूसरा जो है m0, ये आपका क्या होगा?
ये आपका विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान, ठीक है। सी जो है ये आपका प्रकाश का वेग है, सी आपका यहां पर जो है प्रकाश का वेग है। तो मैंने आपको बताया था इनमें m और m0 में जो संबंध है वो m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है, ठीक है। अपन को यहां पे क्या ज्ञात करना है, विराम अवस्था में जो है फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, m0 इक्वल टू m0 ज्ञात करने के लिए करना है तो अपन यहां पे त्रिज्या गुणा करेंगे, तो m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये जो फोटोन है, ये फोटोन जो है प्रकाश के वेग से गति करता है, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ आपका v जो है किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। v किसके बराबर होगा, ये आपका c के बराबर होगा। v बराबर देखिए m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, या m0 इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है तो आपको v इक्वल टू किसका कितने बराबर हो जाएगा, ये v बराबर c के बराबर होगा। अब इस v बराबर c अपन इस समीकरण में पुट अप कर देंगे तो आपको मिलेगा m0 इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, यहां पे कितना बचेगा 1, या फिर इसको अपन लिखेंगे m0 इज इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस 1, या फिर m0 इक्वल टू m इंटू 0, या फिर m0 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर प्रकाश के वेग से गति करेगा तो उसका वेग कितना होगा, c के बराबर है। अब मान लीजिए अपन ने इसको यहां पुट अप किया तो आपको यहां पे क्या निष्कर्ष मिल रहा है, m0 क्या है, विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान वो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। विराम अवस्था में जो है फोटोन का द्रव्यमान जीरो हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि विराम अवस्था में फोटोन जो है वो अस्तित्व ही नहीं है, विराम अवस्था में फोटोन का अस्तित्व नहीं है, केवल गतिशील अवस्था में जो है आपका जो है फोटोन का अस्तित्व है। अब इसके कुछ गुण और देख लें अपन, तो पहला गुण जो है इसमें विकिरण सोर्स ऊर्जा को फोटोन जो है सदैव जो है वो किस रूप में उत्सर्जित होगा, फोटोन के रूप में ही उत्सर्जित होगा, जो भी उसमें से ऊर्जा निकलेगी फोटोन के मतलब ऊर्जा जो है पैकेट के रूप में जो है उत्सर्जित होगा, ये सरल रेखा में गमन करते हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो है फोटोन की ऊर्जा मैंने बताया था वो ई बराबर कितना है, एच इंटू न्यू के बराबर, जहां पर न्यू आपका आवृत्ति है और न्यू के लिए आपको मालूम है वो सी अपॉन लैम्डा होता है, जहां पे सी जो है प्रकाश का चाल है और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है। इसको यहाँ पे पुट अप किया तो अपन को जो है सूत्र एक और मिला, ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू ये कहाँ पे है, सी अपॉन लैम्डा का न्यू की जगह पे एच सी अपॉन न्यू हो गया। तो ये एक सूत्र जो है आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, सभी फोटोन निर्वात में एक ही चाल से गमन करते हैं, मतलब फोटोन का जो चाल, सभी फोटोन का जो चाल होंगे वो जो रहेगा वो एक ही रहेगा, उसमें कोई आपका जो है परिवर्तन नहीं होगा, एक ही चाल से गति करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, फोटोन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से
विक्षेपित नहीं होते, मतलब इसके ऊपर आप जो है चुंबकीय क्षेत्र या आपका जो है विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये विक्षेपित नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ ये विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं, तो फोटोन आपका जो है फोटोन के जो कण है वो उदासीन होते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़े तो पांचवा पॉइंट जो रहेगा, फोटोन जो है विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन, देखिए जब अलग अलग माध्यम से गुजरेगा तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपका जो है आपका सत्य असत्य में ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे अगला पॉइंट जो है वो है, अगर ये विभिन्न माध्यमों से गुजरते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और जो वेग में परिवर्तन क्या है किस कारण से होता है, वेग में परिवर्तन जो है इनके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद आपका जो है फोटोन का जो ऊर्जा का जो मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसके मान जो है 1.6×10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर देखेंगे, जो है ना इन लोग बिल्कुल पढ़ने